तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और क्रीमी फ्रूट की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करना है। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध का यूज़ किया है। और साथ में लेना है कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। थोड़ा सा दूध डाल के कस्टर्ड पाउडर का एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। और अब इस कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध में डालना है और अच्छे से मिलाना है। कस्टर्ड पाउडर और दूध को धीमी आंच पर पकाना है और इसको लगातार चलाना है, नहीं तो यह नीचे से चिपक सकता है। कस्टर्ड पाउडर वाला दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है। चीनी अपने स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ऑलरेडी ये थोड़ा सा जम जाएगा। इसमें यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फल और ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और जो ये कस्टर्ड वाला क्रीम था वो भी काफ़ी ठंडा हो चुका है और देखिए इसकी थिकनेस भी बढ़ चुकी है। तो इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जो कटे हुए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स थे उसको इस कटोरी में डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। ऊपर से मैंने सूखी हुई चेरी यूज़ की है। इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए और इसको एंजॉय करिए।